हे हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। एंड वेलकम बैक अश बेबी फन वाइटी। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे होने क्या वाला है। और हम आज अर्श को मॉल लेके गए थे और वहाँ पे अर्श ने इतनी सारी मस्ती और धमाल किए कि आप देख देख के लोटपोट होने वाले हो। और कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अर्श बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे थे और वो आगे आगे भाग रहे थे। और यहाँ पे मैंने अर्श को बिठा दी थी कि वो कहीं भी नहीं जाए, और वो वहाँ पे भी मस्ती उनकी चालू थी, उसके ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे थे और लोगों को आवाज़ें दे रहे थे। वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और शाम का टाइम था, बहुत प्यारा व्यू था। तो मैं मॉल में गई नहीं, मैं बाहर ही शूट कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देखो, इतना प्यारा व्यू था, इतना सुकून दे रहा था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे कि बस वहीं बैठे रहो, हवा खाते रहो और अंदर जाने का मेरा मन ही नहीं था। अर्श की स्टाइल देखो, चश्मा लगाने का। और यहाँ पे फिर हम अंदर गए थे क्योंकि मेरा भाई बहुत बोर हो चुका था और वो अर्श को लेके जा रहा था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे साथ बहुत बड़ा वाला फनी चीज़ हो गई, मेरा हील लटक गई थी उसके अंदर और वो टूट चुकी थी, तो मैंने पूरी वीडियो एक हील पे बनाए हैं। और यहाँ पे अर्श इतना मस्ती कर रहे थे, मैं उन वीडियो शूट ही कर रही थी और वो आगे जा रहे थे आगे ग्लास था और उनको लगा कि हम उस पार चले जाएंगे और वो वहाँ पे जाके इतनी तेज़ टकरा जाते हैं कि मुझे बस हंसी आ जाती है, लेकिन बहुत तेज़ लगता है उनको। लेकिन उनको मस्ती इतनी है कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे देखो आप, बस ओ, और वो इतना चिढ़ गए थे ना, वो वापस जा रहे थे, फिर मैं उनको पकड़ के वापस नीचे खींचो उठा ले उठा ले गुस्सा आ गया। यहाँ पे देखो अर्चना इतना ज्यादा खुश हो रहे थे, वहाँ पे बहुत सारी कार थी और वहाँ पे सारे बच्चे लोग राइड कर रहे थे और अर्श भी सोचे थे मैं कब बैठूंगा उसके ऊपर। और वो बार बार वो अंकल के पास जा रहे थे कि मुझे कब बिठाओगे, उनको रेड कलर की कार में बैठनी थी तो उसमें ही बैठना था उनको। और हम वेट कर रहे थे कि वो कब मतलब फ्री हो तो अर्श उस पर बैठे। और यहाँ पे अर्श इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि बार बार वो अंकल के पास जाके खड़े हो जा रहे थे कि कब फ्री होगा, मैं बैठूंगा। और वहाँ पे मतलब दो राउंड का सिर्फ 150 लिए थे और सिर्फ एक राउंड का तो मैं शूट कर पाई, दूसरे राउंड में मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया। मैंने किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या, मैं कैमरा ऑन ही नहीं करी, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए मैंने ऑन नहीं करी और मैं शूट कर रही थी। और फिर जब शूट करके देखी तो मतलब उसमें क्या ही बताऊँ मैं, वापस से फिर जो था मैंने वही फर्स्ट वाला ही मैंने शूट कर पाई थी, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा था और वो बहुत दूर से था शूट, तो मैंने यहाँ पे जितना भी शूट हुआ मैंने आप लोगों को बता दिया। और क्या बताऊँ, कल मतलब कल का दिन अजीब ही दिन था बहुत ज़्यादा। कितना राउंड है? भाई रिकॉर्डिंग
हुआ, एक ही हुआ। आप लोगों बोली ना कि मुझे बाहर ही बैठने का दिल कर रहा था, ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा था, इसके लिए ये सब हो रहा था। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जैसे गई मेरी हील टूट गई और मैं एक हील पे शूट कर रही थी, मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, फिर भी मैंने वहाँ पे शूट की सब कुछ साइड में रख के। और यहाँ पे अर्श इतना खुश हो रहे थे कि मुझे उनका मतलब मूवमेंट कैप्चर करना था कि वो जब बड़े होंगे तब देखेंगे कि मैं कितना मतलब छोटा था, मस्ती करता था। अभी हार्डली अर्श 18 मंथ के हुए हैं, हाँ 18 महीने के ही हुए हैं ये, और इनकी इतनी मस्ती है कि क्या बताऊँ मैं। और वो इतना तेज़ भाग रहे थे, लिटरली मैं भी दौड़ रही थी एक हिल पे, क्या बताऊँ, इतना फनी हो रहा था सब कुछ। लेकिन मैं बोली नहीं, मैं मुझे शूट करना है और अर्श का मुझे ये सब पूरा ये सब कैप्चर करके रखना है। और उनको जब भी मैं घर पे गई और वहाँ पे मैं अर्श की वीडियो दिखा रही थी कि वो वाली जो ग्लास में टकरा गए थे वो वीडियो में उनको दिखा रही थी, और वो भी मतलब देख के हंस भी रहे और रो भी रहे कि मुझे लग गया था, उनको याद आ जा रहा है बार बार। और यहाँ पे अर्श को देखो, बिल्कुल भी डर नहीं है उनको कोई, मैं पकड़ रही थी, इनके मामा पकड़ रहे थे, लेकिन वो हाथ छुड़ा छुड़ा के भाग रहे थे यहाँ वहाँ, और इतनी मस्ती में क्या बताऊँ, सब उनको ही देख रहे थे, आसपास के लोग जितने थे सारे वो अर्श को ही देख रहे थे कि इनकी कितनी मस्ती चल रही है। और यहाँ पे अर्श अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर वापस रिटर्न आ जा रहे थे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे फिर रिटर्न आ जा रहे थे, तो उनका बस यही सब चल रहा था। और मैं मतलब एक हील पे मैं शूट कर रही थी, मैं बोलूँ मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो रहा था ये सब चीज़ करना, लेकिन मुझे ये करना था आप लोग के लिए भी और अर्श के लिए भी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है, तो अर्श को अपना प्यार देना ना भूले। और यहाँ पे अर्श क्या किए पता है आप लोगों को, हम अंदर गए और मतलब मुझे प्ले जोन में लेके जाना था अर्श को, तो वो हम थर्ड फ्लोर पे था, तो हम सेकंड फ्लोर पे ही घूम रहे थे, फर्स्ट पे तो हमारा वैसा हाल हो गया था, सेकंड पे ही हम घूम रहे थे। और सेकंड में जब अर्श अंदर गए और वहाँ पे वो खाना खाते खाते सो गए, और फिर वहाँ से फिर हमको रिटर्न आना पड़ा, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पे आज इतनी मस्ती कर रहे थे, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बस आप लोग देखते जाओ उनकी मस्ती, कितनी मस्ती है। वो बिल्कुल भी हमारे से बेकाबू हो चुके थे और वो हमारे पास आ ही नहीं रहे थे, भाग भाग के चले जा रहे थे, पता नहीं कहाँ उनको जाना था, क्या करना था, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। और इसके मामा तो एकदम परेशान हो गए, बोले अर्श को संभालना ना। अच्छू क्या है बेटा? हाँ मैं देख रही हूँ, उधर देख। अरे नहीं ना, उठा ले, यहाँ पे बहुत तेज झटका मार रहा है, झटका मार रहा है। चलो। अरे वापस चलो, पकड़ उसका, पहन लेता। और यहाँ पे अर्श को देखो, इतनी डेयरिंग है इनके पास कि पूछो मत। बिंदास अंदर चले गए और उन्हें ख्याल आया कि अभी हमें सैनिटाइज भी करना चाहिए, और इन्हें मुझे देख के इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब इतना छोटा बच्चा इतना भी दिमाग लगा सकता है कि ये सैनिटाइज भी करना है। तो आप लोग देखो, कभी कभी अर्श इतना अच्छा समझदारी का काम कर लेते हैं कि हम शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे हम क्यों नहीं कर रहे ऐसा। और मैं लिटरली मैं भूल गई थी मैं सैनिटाइज करना, लेकिन अर्श ने मुझे याद दिलाया। तो आप लोग भी हमेशा हाइजीन रहा करो और बी सेफ। और यहाँ पे अर्श देखो,
वापस से हम एंटर किया और यहाँ पे बहुत अच्छी सारी चीज़ें थी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। ऐसा लग रहा था सारी चीज़ें बाय कर लो, खरीद लो, लेकिन इंशाल्लाह खरीदेंगे नेक्स्ट टाइम हम जब शॉपिंग की नीयत से आएंगे तब। अभी यहाँ पे आज को घुमाने की नीयत से आए थे हम, तो आज को हम यहाँ पे घुमा रहे थे और यहाँ पे आज देखो कितनी मस्ती है यहाँ पे। उनको मैं यहाँ बुला रही तो वो वहाँ भाग के चले जा रहे, और यहाँ पे घूमते घूमते वो डायरेक्टली अंदर घुस जा रहे हैं। और यहाँ पे मतलब बेडशीट, कवर, पिल्लो और बहुत सारी चीज़ें, ब्लैंकेट और बहुत सारी चीज़ें, कुशन वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारे कलर के थे, कॉम्बिनेशन के थे बहुत। मतलब यहाँ पे आ जाओ तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपकी पसंद के। और यहाँ पे आज मुझे बार बार इशारा कर रहे थे कि ये ले लो, ये वाला ब्लैंकेट ले लो, ये बेडशीट ले लो। मैं बोली इतना दिमाग कहाँ से आता है अर्श के पास, पता नहीं यार। आप लोग देखो कितनी मस्ती है इनकी। हाँ ये पसंद आ रहा है आपको? हाँ बाबा सारा पसंद आ रहा है। हाँ अर्श बोल रहा है ये बेडशीट ले लो, ब्लैंकेट ले लो। पागल हो गया भाई, चल दूसरे। और यहाँ पे आज बोल रहे थे कि सारी चीज खरीद लो और सब घर लेके चलो। और इतनी प्यारी प्यारी चीजें मिल रही थी रूम डेकोरेशन के लिए, और बहुत प्यारी प्यारी चीजें थी जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। मतलब थोड़ा बहुत ही शूट करी क्योंकि मुझे अर्श की वीडियो बनानी थी, तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कोई अगर से आ गया जिसको नहीं भी कुछ खरीदना है तो भी वो कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाएगा, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। मैं आप लोगों को दिखा रही थोड़ा सा, और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा थक चुके थे, उनको भूख लगी थी तो हम वहाँ पे थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर रहे थे और अर्श को खाना दिए थे। यहाँ पे अर्श खाना खा रहे थे और वहाँ पे वो खाना खाना ही बोलती हूँ मैं, मुझसे वो दूध पी रहे थे लेकिन खाना खाना ही बोलती मैं, उनको यही समझ में आता कि खाना खाना है। तो वहाँ पे वो खाना खा रहे थे और हम बैठे हुए थे, मस्ती थोड़ी चालू थी हमारी। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बेड्स थे और डिनर सेट थे, बहुत सारी बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। सो यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, और अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू।